अपन मेरी खड़ा फ्रिज जो हेलो नमस्ते ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हो? मुझे लगता है आप लोग सभी फिट एंड फाइन होंगे, है ना। आज स्पेशली हिंदी ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि काफी दिनों से मेरे दोस्त लोग, जैसे कि इधर है हमारा राजी, हमारा कहाँ के रहने वाले, आपका घर कहाँ? गुरदासपुर के रहने वाले। ये दोस्त भी बोल रहे थे कि यार मैं भी सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो तुम कम से कम हिंदी में ब्लॉग किया कर यार, बोल के बोल रहे थे। तो बहुत सारे हैं जो हिंदी लोग हैं मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, उनके लिए आज स्पेशली ब्लॉग होने वाला है हिंदी में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। यहाँ से हम निकल रहे हैं, पीछे हॉर्न मार रहे हैं दोस्त, अब अकेले चार बंदे जा रहे हैं। तो इस साइड अंदर अंदर का रास्ता भी घूमना चाहिए, है ना गाइज, क्योंकि जो मेन रोड वाले तो होते रहता है, कभी भी चलते रहते, इसलिए आज हम अंदर के रास्ते बिल्कुल, है ना, शीतल छाँव पे घूम रहे हैं, है ना। ऐसे तो देखा जाए तो अभी पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, जो भी है, और जो प्लेन साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पर इतना गर्मी नहीं है क्योंकि बारिश होता रहता है ना, तो इधर सदाबहार मौसम है केरल का। तो पहले पहले गाने गुने में तो सुना करता था केरल की गर्मी, लेकिन मेरे को गाना फ्लॉप लगा क्योंकि इतना वो गर्मी नहीं है जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आपका गुजरात, इस एरिया में अभी आज के डेट में बता रहा हूँ, आज के डेट में जो अभी जुलाई के महीने हैं, जुलाई के आज मेरे ख्याल से क्या 30 जुलाई अगस्त, इस महीने में तो आग निकलती है आग। पर यहाँ पर क्या है कि इतना बढ़िया सा मौसम बन रहा है तो घूमने के लिए आसान सा हो रहा है। देखो धूप भी नहीं लग रहा है, बादल सा लग रहा है। केरल में यही चीज़ है कि जब छुट्टियाँ तो छुट्टियाँ के तौर पर मनाया जाता है, यहाँ पर मजदूर से लेकर सारे सेक्टर के बंदे, तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा। संडे के टाइम में अब कहीं गाड़ी गुड़ी ख़राब हो गई तो गैरेज गुरेज खोलने वाला नहीं है, उन लोग भी बस कहीं घूमने गए होंगे, वैकेशन मनाते, तो यहाँ पर यह है। तो वही बताना चाह रहा हूँ, ऐसे तो है ना केरल के, मैं अभी वो जिस जगह में जा रहा हूँ उस जगह के बारे में तो और बताना है। अभी पहुँचते हैं, पहले तो गूगल मैप लगा के जाएंगे हम, है ना, क्योंकि डायरेक्टली अभी क्या है यहाँ का रास्ता ना ऐसे ऐसे तो पता नहीं चलता, तो इसलिए थोड़ा सा तेल डालते हैं तो फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्त लोग तो उधर चले गए। तो यस गाइस, फाइनली पेट्रोल पंप। चलो डाल दो, 300 का डाल दो, नहीं पड़ देना वो, अच्छा एट, चलो 300 का 107 ना, कहाँ से होगा? और सुनो, प्रिंट चाहिए? प्रिंट नहीं चाहिए यार, क्या कर रहा हूँ, हो गया ना। सीधे ओहो, मैप भी तो लगाना है, अभी मैप तो लगाना ही पड़ेगा यार, अल्ले आगे जाके लगाएंगे। चेथड़म बन रहा लोग अंदर, तो कह रहे चेथड़म स्कूल बन रहा, चेथड़म तेज आने बाटो में आगे अमूल चौराहे से हम घूम के जाना है, राइट साइड को ही जाना है ना। तो ये है, यहाँ से जाएंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, और यहाँ से आराम से इस तरीके से घूमना है, इस तरीके से फिर यहाँ से इधर घूमना है। चेथड़म, चेथड़म, सी एच ई टी एच ई डी ओ एम, टी एच ई डी ओ एम। साइड में थोड़ा इतना ट्रैफिक भी नहीं होता कि साइड वाले रोड है ना, तो घूमने में थोड़ा सेफ साइड अच्छा लगता है। वो तो जो मेन रोड है कंटेनर रोड, वहाँ पर तो कसम से ओहो इतना अच्छा, बढ़िया सुहाना मौसम, हवा लग रही है सर 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 सर, क्या बताएं। ऐसे में ऐसे घूमने को मिलता है ना तो मुझे बहुत सुकून से मिलती है। तो अभी मैप लगा लेंगे, क्यों ना, हमने मैप लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं इधर ही साइड करके रुक लेता हूँ पहले, है ना, तो फिर यहाँ से मैप लगा के हम निकलने वाले हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है रास्ता। यस गाइस, फाइनली हमने मैप लगायो, चेथड़मको स्कुलतिरको, अब मैपको अनुसार हामी हिँडिन्छ सिधा अघि जाके, फिर 500 मिटर जाके, कहाँ बता रहा है ये कौन सी रास्ता हो गए हम।
रास्ता भूल जाएंगे हम, रास्ता भटक जाएंगे लग रहा है। परसों तो हम इस रास्ते से तो आए नहीं थे यार, ये हम पता नहीं कौन से रास्ते में आ गए। लेकिन रुक के देखना पड़ेगा, मेरे को पता चल गया अभी, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, नहीं तो हम इधर ही भटक जाएंगे। तो हम तो इधर ही गोल 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 घूमते रहेंगे, चेथाड़म की जगह पता नहीं मेथाड़म की जगह पहुँच जाएंगे। ऐसे तो पहले ये मोबाइल में मेथाड़म आ रहा था वही ना, भड़क ठूलो बाटो होला रहा था ये गौ से जनता। ये तो परसों तो इस रास्ते तो आया नहीं था, बिल्कुल सिंपल रास्ता आया था परसों तो। निकलेंगे हम अब तो भैया, हम भागेंगे थोड़ा सा। लो भाई अब यहाँ पर फिर ये देखो फूल के साथ ना थोड़ा सा ब्रेकर टाइप का है। ओ नो बेबी, अब गाड़ी गई से आ हा हा, मज़ा आ गया मज़ा। यो फोर वाला पुल हो गया बर्दर, यस्ते खाली पुल छ मजाको सफा वाला। फेरि तलतिर यस्तै छ सेम सेम यसै बिल्कुल। त्यो अब ठन्डी हावा चल रही न, यो पानी की हावा है, इस तरीके का है, बढ़िया सा। ये गाँव का रास्ता है, लो भैया अभी रास्ता मिल गए, गांव का अच्छे अच्छे रास्ते। ये रास्ते तो बिल्कुल टूरिंग करने लायक है यार। अंदर इधर ना मकान इतना बढ़िया बनाते, मकान साथ साथ पेड़ पौधों को काटते नहीं, क्योंकि उससे ना शीतल छहरियाँ मिलती है। लेकिन घूमती घूमती है जुलबी मोड़ है इधर रहने का। ताड़ा ता लुक एट दिस व्यू गाइस। लेकिन ये भी नहीं, दूसरा ब्रिज है एक्चुअली हम जो ढूंढना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें थोड़ा देखा बंद, आदमी लोग भी यहीं पर आते देखने के लिए। लो ले लो नज़ारा, थोड़ा ठंडी हवा खा लो भाई। ठंडी हवा खा लो अभी, यही ब्रिज था। आहा कसम से रास्ता भटक भटक लास्ट टाइम पहुँच तो गया यार। इसको देखो इतना अच्छा हवा लगता है ना। सो यस गाइस, फाइनली हम ये ब्रिज तक पहुँच रहे हैं, पहुँच गए। रास्ता भटकते 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 क्या बताया ना, आपने भी देखे होंगे गूगल मैप ना, कहीं ना कहीं घुमा करके जगह में तो लेता है, पर इतना भटके ना क्या बताया, कम से कम 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा हम घूम घूम के आना पड़ा इसी ब्रिज के लिए था गाइस। है ना, ये ब्रिज में देखने बहुत सुकून मिल रहा है कसम से। इतना बढ़िया सा हवा लग रहा है, देखो मेरा हवा से देखो ये पूरा बाल भी हिल रहा है, जो छोटा सा बाल है वो भी हिल रहा है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर आने पर कितना मतलब शीतल महसूस आप कर सकते हो। लेकिन हो सकता है साउंड में भी ये हवा के वजह से थोड़ा दिक्कत के लिए नहीं मिल गया, पर मेरी तरह ब्रिज फाइनली इस ब्रिज का नाम भी हमें पता हो गया, नाम क्या था, पुत्तम ब्रिगरा ब्रिज है। हाँ तो ये एक मलयालम नेम है, तो इसलिए हमें थोड़ा उसमें समझने में परेशानी हो सकता है। सो यस गाइस, है ना, यहाँ से हम अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे मतलब थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा देर बैठते हैं, थोड़ा ना पानी पुनी पी लेते हैं, फिर पीने के बाद इधर आगे थोड़ा सा ना वीडियो करेंगे। अभी यहाँ से हम निकलने जा रहे हैं, वो हमारे दोस्त लोग चले गए, वो सरदार जी एंड हमारा थाम बहादुर, उन लोग चले गए आगे जाके ना, तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स लेके थोड़ा देर बैठते हैं फिर निकलेंगे बोल के, फिर हम भी चलते हैं आगे अभी थोड़ा देर में। अब यहाँ चल रहे हैं, देखो कितना अच्छा है ये ब्रिज, मतलब शांत टाइप का ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई फोरन का जो वो है ना क्या बोलते हैं ब्रिज टाइप का ना, साफ़ सुथरा, और ये नीचे पानी भी बढ़िया सा साफ़ सुथरा टाइप का, ऐसे टाइप का है, तो हमें अच्छा लगा। कहाँ गए ये लोग, हाँ टोली कता गए, अगर गए सीधे अगड़ी कहाँ, हमें हमी यता जाने तलतिर
और तीन को पची पची जाओ ना, तो हम उनके फॉलो कर रहे आगे वो ना दुकान दुकान देखने के चक्कर में चले गए आगे ना। एवटा लिनु यार, एवटा ठूलो लिनु बस। आ तिनी कहाँ कहाँ खोजर लेकर आने हो, बाहर घूमने के लिए बोल के आ गए है ना। रूम में भी कितना सोना है ना, सोते रहो खाते रहो सोते रहो तो फिर और बोरिंग सा होता है, तो इसीलिए हम बाहर थोड़ा घूमते हैं थोड़ा फ्रेश होते बोल के। आज ऐसे भी संडे है, संडे में तो छुट्टी होते तो ये संडे में थोड़ा घूमते बोल के फिर हम निकल गए। बस इधर आ रहे हैं, बस यहाँ पर थोड़ा देर बैठते हैं इधर गाँव की तरफ। गाँव में घूमने का भी कुछ अलग सा मज़ा तो है ना, क्योंकि देखो आहा इतना शीतल हवा चल रही है ना, कसम से पूछूँ मत, इतना शीतल ठंडी हवा तो नेपाल के वो बुटुल साइड में तो कभी चलता ही नहीं, हमेशा वो गर्म 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 हवा फेंकता रहता है, पता नहीं इस तराई में। यहाँ पर तो फिर एक तो हरियाली है ना, क्योंकि पूरा घर के आगे पीछे पूरा देखो पेड़ पौधा लगा हुआ है, ये पूरा घर है मकान है बाउंड्री किया हुआ, देखो पूरा आगे सारा पेड़ पौधा लगा के पूरा हरा भरा बना रखे है, तो इसीलिए भी क्या है छाँव भी मिलते हैं, इसके साथ साथ क्या है हवाएँ ठंडा हवा, फिर साइड में वो आता है इस दिस साइड आगे नीचे तो ये चलती है, तो इसीलिए हो जाता है बाट बाट आगे सीधा। हाँ तो हम इधर जा रहे हैं, ये देखो भैया वाह ये इन्होंने ऐसे लिए होंगे, ये भी तो था खाली पता नहीं कत रकम अलग रकम है। लो गाइस फाइनली हम यहाँ पर आए, दोस्त लोग ने स्कूटी तो इधर रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पर नाव भी है, ये पुल के नीचे आ रखे हैं, तो कहाँ चले गए, फ़ोन लगाओ ना तो ब्रदर, फ़ोन लगाओ ना तो। यहाँ आ गए हम, इधर बैठते नहीं तो वहाँ पर बैठते हैं वो उसके, यहाँ तक गमला सा था। चलो ठीक छ फिर, फाइनली है ना हम ये कुत्तम भीरा ये ब्रिज के ऊपर है, बिल्कुल ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, इतना बिल्कुल सुकून मिलता है ना, गाड़ी गुड़िया भी थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं पूरा दिन, आज नीचे भी बैठा है ना नीचे, फिर इस साइड में पूरा है ना पानी का तालाब जैसा है, ये पता नहीं कहाँ इस साइड को जा रहा है या इस साइड को जा रहा है, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, बस बिल्कुल शांत रूप में चलता हुआ कोई तालाब जैसे टाइप लग रहा है, लेकिन ये तालाब तो है नहीं, ये तो केरल का क्या बोलते हैं समुंदर का एक कुआ रखा है, क्या बोलते छोटा सा साइड वाला ना किनारा,